को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने से ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि भाई कैसे भारत को यहां पर खेलने के लिए बुलाया जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया के बिना मुकाबले होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हरभजन सिंह ने सही इंडियन आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। टीवी पे बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए इंडियन टीम को, कंट्री कम्स फर्स्ट, हमारी टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले हैं, और जब क्रिकेट ग्राउंड में जा रहे होते हैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ जफियां भी डाल रहे होते हैं। समझे कि पाकिस्तान का हक है, यह हमारे मुल्क की अब जाकर सोवरेनिटी का मामला है, अब जाकर यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अब जाकर वाकईतन के आपने खड़े होना है, आपने कंडा डालना है। इंडिया ने दोबारा से नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे। अब ये हर सूरत पाकिस्तान के अंदर इन्हें आना है, आईसीसी ने बाउंड किया हुआ है, लिहाजा अब आपने इंडिया की धोती खींचनी है, अब आपने इंडिया को आंखें दिखानी है, अब यहां पर आपने धुआं नहीं मारना। उन्होंने क्या कहा है कि वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर रह सकता और ये उन्होंने सख्त पैगाम दिए। मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी है कि अब यहां पर धुआं ना मारे, अब इंडिया की धोती खींचे और धोती खींच कर इन दोनों चोरों को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए और फिर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और पिंडी के ग्राउंड के अंदर इन्हें धूल चटाएं। पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है, इवन पाकिस्तान में लोग अफसरदा हैं, डिप्रेस हैं, टेंशन में हैं कि भाई ये क्या कर दिया हम। इन लोगों की तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि ये लोगों को असल सच बताएं कि इंडियन टीम को कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, एक जगह इंडियन टीम को सिक्योरिटी का मसला है, इंटरनेट में। इंटरनेट फैंस के अकॉर्डिंग इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया फिर फुद्दू है, बेवकूफ है, न्यूजीलैंड भी बेवकूफ है, इंग्लैंड अभी दोबारा आ रही है अक्टूबर। हरभजन सिंह साहब जो कह रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले साल वहां पे नहीं भेजी जाएगी। ये जो ढकोसला ड्रामा बीसीसीआई कर रही है, ये जो मोदी के यार और जो मोदी के बैठे हुए ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में हरभजन सिंह ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई और कहा कि पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे क्योंकि पाकिस्तान एक सुरक्षित देश नहीं है। हरभजन सिंह का ये बयान सुन पाक मीडिया तिलमिला उठा और बोला भारत की दादागिरी नहीं चलेगी, भारत को पाकिस्तान मैच खेलने आना ही पड़ेगा और हम भारत को पाकिस्तान में धूल चटाएंगे। हरभजन सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है तो हम पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेंगे। अगर आप खेलना चाहते हैं तो खेले और अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो आप ना खेले। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के बिना भी जीवित रह सकती है और आगे बढ़ती रहेगी। हरभजन सिंह का ये बयान पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इन्हीं सब को देखते हुए पाक मीडिया अब आईसीसी पे एलिगेशन लगा रहा है कि मोदी ने आईसीसी को खरीद लिया है, जो बीसीसीआई कहता है वही आईसीसी कहता है। ऐसा हम नहीं होने देंगे, भारत को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब ये समझे कि पाकिस्तान का हक है, ये हमारे मुल्क की अब जाकर सोवरेनिटी का मामला है, अब जाकर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अब जाकर वाकईतन के आपने खड़े होना है, आपने कंडा डालना है। इंडिया ने दोबारा से नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे। अब ये हर सूरत पाकिस्तान के अंदर इन्हें आना है, आईसीसी ने बाउंड किया हुआ है, लिहाजा अब आपने इंडिया की धोती खींचनी है, अब आपने इंडिया को आंखें दिखानी है, अब यहां पर आपने धुआं नहीं मारना। मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी है कि अब यहां पर धुआं ना मारे, अब इंडिया की धोती खींचे और धोती खींच कर इन दोनों चोरों को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए और फिर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और पिंडी के ग्राउंड के अंदर इन्हें धूल चटाएं। ये जो घर में और आगे भी जो शेर बने हुए हैं ना, जिस तरीके से गेम चलाते हैं, अब इन्हें धूल चटाएं यहां पर बुलाकर। बहरहाल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोहली की, रोहित शर्मा की बहुत मैसिव फैन फॉलोइंग है, इनका बड़ा जबरदस्त वेलकम होगा, बड़ा अच्छा इस्तकबाल होगा और होना भी चाहिए, और ऐसा ही होना, इनकी बिल्कुल मेहमान नवाजी होनी चाहिए और हम खुलकर करेंगे। मैं खुद कोहली की शर्ट पहनकर ग्राउंड में मैच देखने जाऊंगा, लेकिन ये जो ढकोसला ड्रामा बीसीसीआई कर रही है, ये जो मोदी के यार और जो मोदी के बैठे हुए हैं ना, दो तीन दरिंदे चार पांच बैठे हुए हैं, ये जो बकवास कर रहे हैं, ये बकवास है। पाकिस्तान ना तो क्रिकेट बोर्ड को मानना चाहिए, ना हुकूमत को, ना पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, और ना ही आईसीसी को भागने देना चाहिए। इंडिया को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करवाएं और इसमें 0% जीरो टॉलरेंस, जीरो लीनियंसी इंडिया के साथ शो करवानी चाहिए। कालक मले इनके मुंह पर, लेकिन इन्हें यहां पर लेकर आए, बट आई माइसेल्फ विल वेलकम देम होल हार्टेडली। हम इनका इस्तेमाल करेंगे, मैं खुद शर्ट पहनकर जाऊंगा, कोहली की मैच देखेंगे, तालियां बजाएंगे, जीते जीतेंगे तो खैर ये नहीं यहां पर, लेकिन बहरहाल अगर जीत भी गई फिर भी तालियां बजाएंगे, लेकिन ये ढकोसा ड्रामा नहीं चलने देंगे। कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल यानी ये घर से लेकर आए, हाइब्रिड मॉडल हर दफा पाकिस्तान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड खेल कर गई है,
साउथ अफ्रीका, ये पाकिस्तान के अंदर बेशुमार टीम्स आ चुकी हैं। लिहाजा ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां तरीन है, लिहाजा ये किसी भी तौर पर हाइब्रिड मॉडल या इस तरह के किसी मॉडल का हिस्सा नहीं होने चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान जो है वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान दुनिया में एक नॉर्मल मुल्क के तौर पर सामने आए, और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने जो एक चीज की कोशिश की वो थी क्रिकेट को पाकिस्तान लेके आना। अब बातें चल रही हैं कि क्या 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो पाकिस्तान में होने जा रही है उसके हवाले से बीसीसीआई ने दो तरीके अपनाए हैं फॉर द सिग्नलिंग, एक तो डायरेक्ट और एक दूसरा इनडायरेक्ट। एक तो बीसीसीआई ने आईसीसी को रिक्वेस्ट की कि जो इंडिया के मैचेस हैं आइदर दे शुड बी सेंट टू दुबई और श्रीलंका, ठीक है जी, और उसकी वजह यह है कि जो भारत की सरकार है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अलाउ नहीं करेंगे कि वो क्लियरेंस दें ताकि उनकी टीम जो है वो पाकिस्तान जाए। दूसरा हरभजन सिंह जो है वो आपको पता है बड़े ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं, स्पिनर थे, मैं उनको बड़ा देखा करता था किसी दौर में, वो भी ये बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं और मीडिया भी उनको हाईलाइट कर रहा है। हरभजन सिंह साहब जो कह रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगले साल वहाँ पे नहीं भेजी जाएगी, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान अब चाहे तो अपना टूर्नामेंट कराए, उनको किसी ने नहीं रखा, और बट इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया आपको याद होगा कि 2008 में बायलैटरल सीरीज में जो है वो पाकिस्तान एक आया था, उसके बाद कभी भी नहीं आया, तो ताल्लुकात ख़राब हो गए, मामलात वो नहीं। अब इंडिया क्या करता है कि इंडिया ने जैसे फॉर एग्जांपल एशिया कप खेला तो दुबई में खेल लिया, उनके लिए दुबई ज़्यादा अच्छा, ठीक है जी। अब हरभजन सिंह की ये जो वीडियो है एक पुरानी वीडियो है लेकिन ये सर्कुलेट कर रही है, लेकिन बीसीसीआई जो आईसीसी को कह रहा है वो ऐसे ही है। अब उन्होंने क्या कहा है कि वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर रह सकता और ये उन्होंने सख्त पैगाम दिए हैं। देखिए ये इंडिया की कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है कि किस तरह पाकिस्तान को पूरी की पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। मैं इसमें एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जो शुएब अख्तर हैं, शाहिद खान अफरीदी हैं और बाकी बहुत सारे जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कि जब वो इंडियन क्रिकेटर से मिलते हैं तो उनके किस तरह के ताल्लुकात हैं, लेकिन बैक चैनल पे इस तरह की डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए जिसमें इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनका दिल इतना तो नरम और कर सकें कि भाई जो सीनियर क्रिकेटर हैं वो तो कहीं जाना चाहिए, हुकूमत कहे नहीं जाना तो नहीं जाना, कोई बात नहीं, हुकूमत की मर्जी है, लेकिन इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं हैं। आई थिंक न्यूजीलैंड की टीम थी जिन्होंने मैच खेलना था, पाकिस्तान आए मैच खेलना था और द मोमेंट मैच था वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने, उनको जनाब थ्रेट्स आ गए जी टीटीबी ये कर देगी, बदली वो कर देगी। एक तो ये हमारी गलती है, हमने माहौल को ही सिक्योरिटाइज कर दिया, इतना ज़्यादा सिक्योरिटाइज कर दिया, कि अब हमें समझ नहीं लगती करना क्या करें और क्या ना करें, किस किस को कितनी कितनी सिक्योरिटी है। एक तो ये चीज़ है, दूसरी देखें भारत क्यों आपको सपोर्ट करेगा,